नमस्ते बच्चों, आज हम शुद्धिकरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों के बारे में बात करेंगे कि हम इन संदर्भों को ध्यान में रखकर संस्कृत की जो तत्सम शब्द है उन शब्दों को शुद्ध कैसे लिखें। तो पहला संदर्भ है कि संस्कृत के मूल शब्दों एवं संधियों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए संस्कृत के मूल शब्द तो धीरे धीरे आप जैसे पुस्तकें पढ़ते जाओगे तो आपको जानकारी होती जाएगी, लेकिन संधियों का ज्ञान, संधियाँ मैंने आपको पढ़ा दी है तो इसलिए आपको इसके बारे में कोई शक सवाल होना भी नहीं चाहिए। अगर हमें संस्कृत के मूल शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी और संस्कृत में संधि कैसे होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम अशुद्ध शब्द लिखते रहेंगे। जैसे पुनर प्लस अवलोकन, तो पुनरावलोकन, मैंने संधि पढ़ाते समय आप लोगों को बताया कि पुनर पुनर में र में हलंत है और अवलोकन तो र के हलंत का लोप हो गया आगे संधि होने पर, क्योंकि ए मिल गया उसमें, अवलोकन का ए मिल गया तो अवलोकन। इति अधिक अत्यधिक, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। तो हमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके संधि के नियमों के बारे में जानकारी होगी तो हम शुद्ध शब्द पहचान लेंगे, लिख लेंगे और अंक भी ले लेंगे। संस्कृत में र व्यंजन वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अगला बिंदु है, इसमें ई या इत प्रत्यय लगता है और जैसे ई या इत प्रत्यय लगता है तो र का तो लोप हो जाता है और रि स्वर का आगम आ जाता है। वो शब्द है जैसे अनुग्रह है, ईत प्रत्यय जैसे ही लगेगा, ईत प्रत्यय लगने के बाद में र का लोप हो गया और रि स्वर का आगम हो गया। गृहीत अनुगृहीत, अधिग्रह अधिगृहीत, दृष्टा दृष्टि, सृष्टा सृष्टि। तो छोटी ई वाला और ईत प्रत्यय जब लगते हैं तब र का लोप हो जाता है और रि स्वर का आगम हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। संस्कृत के ऐसे अनेक इकारांत और इकारांत, यानी छोटी ई से अंत होने वाले और बड़ी ई से अंत होने वाले शब्दों में भी हम भेद नहीं कर पाते हैं। और हम छोटी ई से अंत होने वाले शब्दों को बड़ी ई के अंत होने वाले शब्दों की तरह उच्चारित करते हैं, इकारांत को इकारांत के रूप में बोलते हैं। जैसे अतिथि अतिथि, कवि कवि, निधि निधि, धी धी, निधि अक्सर उच्चारित कर, अंजलि अंजलि, समिति समिति बोलते हैं, प्रीति कोई ऐसे बोलता है क्या, प्रीति प्रीति ई। तो अक्सर हम इकारांत वाले को इकारांत बना के बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमें ये सावधानी बरतनी। और संस्कृत के अनेक जो इकारांत शब्द हैं उनको हम इकारांत बना देते हैं, जैसे श्रीमती श्रीमती को श्रीमती कर देंगे, पत्नी पत्नी को पत्नी, धात्री को धात्री, ये करने की परंपरा हमारे यहाँ पर है। तो इसलिए हमें जहाँ इकारांत रूप है वो इकारांत रूप लिखने हैं, जहाँ इकारांत रूप है वो इकारांत रूप लिखने हैं, ये अंतर हमें पता होना चाहिए। अगला बिंदु है कि संस्कृत के में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों से, स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों जैसे में अयन या आयन प्रत्यय का संयोग होने पर उनके आरंभिक स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है, कि ए तो आ बन जाता है और छोटी ई बड़ी ई और आ ये और ए
ये आई बन जाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ औ बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखते देखे, यहाँ पर इक प्रत्यय, अयन प्रत्यय, अ प्रत्यय और आयन प्रत्यय जब भी मिलेंगे तो इनका रूप बदलेगा, यानी कि ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, स्वर संधि पढ़ाते समय वृद्धि संधि में, तो वही उदाहरण सारे के सारे ये है। जैसे मनु प्लस आ, मानव अनुपात प्लस इक, क्या होगा अनुपात में ए क्या बनेगा आ, इक प्रत्यय रहते ही अनुपातिक। संसार प्लस इक क्या हो गया सांसारिक। वात्स्य प्लस आयन वात्स्यायन। इतिहास प्लस इक, ई से प्रारंभ होने वाला शब्द है तो क्या बनेगा छोटी ई बड़ी और ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों में ये बन जाएगा आई, ऐतिहासिक। दिति प्लस ये बन जाएगा दैत्य। नीति, नीति प्लस एक क्या बन जाएगा नैतिक, बड़ी ई का भी आई बनेगा। उद्योग प्लस एक क्या हो जाएगा औद्योगिक। कुंती प्लस ए क्या हो जाएगा कौंते, कौंते, कौंते। सुंदर प्लस यह क्या हो जाएगा सौंदर्य। ये नियम के तहत बदलते हैं, वृद्धि संधि के नियम है, इन नियमों को हमें याद रखना पड़ेगा। संस्कृत अगला बिंदु है कि संस्कृत में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यह तथा ता प्रत्यय का उपयोग लिया जाता है, किंतु एक प्रत्यय के प्रयोग के उपरांत दूसरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे निरंतर प्लस ये नैंतरीय या निरंतरता, निरंतर प्लस ता निरंतरता, तो यहाँ पर निरंतर प्लस ये निरंतरीय तो बनेगा और निरंतर प्लस ता निरंतरता तो बनेगा, लेकिन ये नहीं है कि निरंतरीयता शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरह सौंदर्य बनेगा या सुंदरता बनेगा, स्वास्थ्य प्लस स्वस्थता, वात्सल्य प्लस वत्सलता, स्वातंत्र प्लस स्वतंत्रता आदि शब्द बनेंगे, लेकिन दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगेंगे, ये ध्यान रहे, एक ही प्रत्यय से बनेंगे। क्रमांक छह के अनुसार ही अगला है कि ई प्रत्यय में भी एक ही प्रकार का प्रयोग होता है, जैसे ईय प्रत्यय में से भी एक का ही प्रयोग होगा, जैसे पूज्य या पूजनीय, पूजनीय नहीं होगा, पूज्य लिख दिया इसका मतलब पूजनीय ही है। रम्य या रमणीय, या तो रम्य लिखो या रमणीय लिखो, एक ही है, रम्यणीय नहीं होगा। तो ये छह के ही क्रम में सातवां बिंदु है। अगला बिंदु हम बात करते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत बहुत से शब्दों में ईत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ईत बड़ी तय ईत प्रत्यय। अब जैसे प्रयोग होता है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध में को हम लिखते हैं क्रोधित, व्याप्त लिखते हैं व्यापित व्याप्ति, त्रस्त त्रसित, अभिशप्त या अभिशापित, तो इसमें से एक रूप गलत है एक सही है। क्रुद्ध हो गया इसका मतलब होता है कि क्रुद्ध क्रोध किया हुआ, अब क्रोधित लगाना वो जरूरी नहीं है, क्रोधित अशुद्ध रूप है। व्याप्त और व्याप्ति, व्याप्ति अशुद्ध प्रयोग है। त्रस्त त्रसित, त्रस्त सही है त्रसित गलत है। इत प्रत्यय यहाँ पर अनावश्यक लगा दिया गया है। अभिशप्त अभिशापित, तो अभिशप्त
सही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अभिशापित इत प्रत्यय लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है कि संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कभी नी तो कभी इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनका ध्यान रहने पर प्राय अशुद्धि हो जाती है, जैसे कमलिनी, सरोजिनी, कामिनी, यामिनी, विरहिणी, रागिनी आदि। तो इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी है कि कहाँ तो नी प्रत्यय लगा है, कहाँ इनी प्रत्यय लगा है। जैसे कमलिनी में इनी प्रत्यय है, सरोजनी में भी इनी प्रत्यय है, कामिनी में भी इनी प्रत्यय, यामिनी में भी क्या प्रत्यय है, यम प्लस इनी यामिनी, रागिनी सन्यासिनी इनी प्रत्यय। जहाँ इनी आना चाहिए वहाँ इनी आना चाहिए, और नी का हमें ध्यान रखना कि नी कहाँ आएगा। अगला बिंदु जो हमारे आज की चर्चा का वो है, संस्कृत के अनेक शब्द ई स्वर तथा न प्रत्ययुक्त होते हैं। हिंदी में प्राय न प्रत्यय हटाकर इनका इकारांत प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे योगी, योगी शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में ये योगिन, योगिन हलंत वाला न। मंत्री, संस्कृत का मूल है मंत्रिन। विद्यार्थी, विद्यार्थिन। स्वामी, स्वामिन। लेकिन अक्सर न प्रत्यय हटाकर इनके संस्कृत प्रयोग का ही रूप किया जाता है। लेकिन हमने एक और काम किया है कि छोटी की मात्रा को हमने बड़ी की मात्रा में बदल दिया। जैसे मंत्रिन, न तो हटा दिया हमने और मंत्री बड़ा कर दिया। विद्यार्थिन में न हटा दिया, विद्यार्थी बड़ी लगा दिए। स्वामी में हमने बड़ी लगा दी है, छोटी हटा दी है। ये जब न प्रत्यय हटाया तो हमने मात्रा का भी दीर्घीकरण कर दिया। लेकिन जब हमें इनके बहुवचन बनाने हैं, जब तब हमें इनके एक साथ लिखने हों, तब हमें इनको संस्कृत के उसी रूप में ही लिखने पड़ेंगे। जैसे स्वामी भक्त तो यहाँ छोटी ही आएगी, मंत्रिमंडल तो मंत्री में छोटी आएगी, प्राणी शास्त्र तो छोटी आएगी, योगी राज तो छोटी आएगी, विद्यार्थीगण तो छोटी आएगी। ये ध्यान रखना है। चले अगला, संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द हिंदी में तद्भव रूप में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव यानी बिगड़े हुए रूप में, तत्सम यानी संस्कृत के जैसे ही। इनमें से कुछ शब्द ऐसे जो अनुनासिकता से युक्त हो गए, जैसे कि उसमें नाक से भी बोले जाते हैं, और ऐसे शब्दों में दीर्घ स्वर आने पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करना चाहिए। अब चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ करें ये हमें ध्यान रहना चाहिए। जैसे आँख, तो दीर्घ स्वर जहाँ भी आ रहा है, जो अनुनासिक नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं, तो दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, पर वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आंधी, ऊंट, मूछ, पूछ, गांधी, गांठ, आंसू, बांध आदि। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि इन तद्भव रूपों में भी हमें कहाँ चंद्रबिंदु लगाना है कि और कहाँ पर हमें अनुस्वार लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगला बिंदु है आज की चर्चा का, हिंदी में स्वर रहित अर्ध व्यंजन के बाद आने वाला पूर्ण व्यंजन उसके नीचे लिखा जाता है। मतलब स्वर रहित अर्ध व्यंजन के बाद आने वाला पूर्ण व्यंजन उसके नीचे लिखा जाता है। तो ये है जैसे अपराहन और अपरान को लिखेंगे तो है में नीचे लिखा जाएगा। इससे भ्रांति पैदा होती कि ये कोण तो आधा है और कोण पूरा है।
नीचे लिखा पूर्ण व्यंजन पूर्व में अर्ध व्यंजन और अर्ध व्यंजन के बाद पूर्ण लिखा जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है इसको कि जो अर्ध व्यंजन है उसको हमें हलंत लगा देना चाहिए। जहां हलंत लगाने की जरूरत हो वहां हलंत लगाया जाए, जहां खड़ी पाई हटाने की जरूरत हो उसको खड़ी पाई लगा हटा दी जाए, और जहां पर पूछ हटानी हो वहां पूछ हटा दी जाए। तो ये हमें ध्यान रखना, ये है वर्ण के साथ ही विसंगति ज्यादा मिलती है, जैसे चिहन। तो यहां पर है और न को अगर मिला के लिखें तो पता चले कि यहां पर न आधा है, नहीं वहां पर है आधा है। अपराहन, जहानवी, ब्रह्मा, तो है वर्ण के साथ ये विसंगति ज्यादा है, इसलिए है वर्ण के साथ लिखा जाए तो है में हलंत लगा के अगले वर्ण को हम पूर्ण वर्ण वर लिखें, वरना है में नीचे उसको लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखेगा है तो पूरा है और न आधा है। अब आगे हिंदी में भविष्य काल में क्रिया का पुलिंग बहुवचन रूप एंगे प्रत्यय के रूप में बनते हैं, के योग से बनते हैं, जैसे कर से करेंगे, पढ़ से पढ़ेंगे, लिख से लिखेंगे, गा से गाएंगे आदि। ये आप काल पढ़ते समय स्पष्ट है आप लोगों को। अगला है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्ष, त्रय, क्षय और श्रय, जिसे शब्दों का अशुद्ध लेखन किया जा रहा है, जैसे रक्षा को रक्षा लिखा जाएगा, शुद्र को क्षुद्र, तृष्णा को तृष्णा, शेष को शेष आदि लिखते हैं, श्रृंगार को श्रृंगार ये लिखते हैं। तो इनको भी लेखन में अशुद्ध लिखने में हमें बचना है। अब आते हैं कुछ विदेशी शब्दों को हिंदी रूप कैसे हों। एक तो होता है जैसे कि नुक्ता वाला, एक बिना नुक्ता वाला, तो हमें दोनों ही रूप मान्य हैं और दोनों ही रूप स्वीकार योग्य है। जैसे गर्दन रे ऊपर रे आधा रे और गर्दन, ये भी मान्य है, दोनों मान्य। बर्फ रे पूरा और फै के नीचे बिंदी है और बर्फ रे ऊपर चढ़ा हुआ सिरोरेखा से ऊपर। फुर्सत, फुर्सत इसमें फै में बिंदी है, नीचे नुक्ता है, रे पूरा है और फुर्सत रे ऊपर चढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे जैसे बर्तन बर्तन, सर्दी सर्दी, वर्दी वर्दी, मुर्गा मुर्गा, ये आदि है। लेकिन इनको उच्चारण से ही हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों रूप प्रचलित में हैं और ये दोनों रूप लिखे जा रहे हैं, प्रयोग में लिए जा रहे हैं। लेकिन जब बात ऐसे शब्दों के बारे में जो ज़्यादा द्वंद, मतलब थोड़े द्वंद्व वाले हैं, जिनके बारे में वो थोड़ी मसले वाली समझ बात आ जाए, तो वहाँ इनको परीक्षा में कमी पूछते हैं, लेकिन हमें लेखन में हमें ध्यान होना चाहिए। अगला बिंदु है कि अनजाने में या बात को बलपूर्वक कहने के लिए कभी कभार हम हिंदी में अनुचित तरीके से पुनरुक्ति कर देते हैं। पुनरुक्ति का मतलब है एक शब्द से मिलता जुलता भाव वाला दूसरा शब्द साथ में लगा देते हैं। जैसे प्रातःकाल, जैसे गुप्त रहस्य, भाई गुप्त है तो रहस्य ही है वो। आज की वर्तमान स्थिति, ये क्या मतलब हुआ, आज की यानी वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति या वर्तमान स्थिति बात एक ही है। तो या तो आज की स्थिति लिखो या वर्तमान स्थिति लिखो, गुप्त रहस्य क्या है, या तो गुप्त लिखो या रहस्य लिखो। तो हमें इनसे भी बचना है कि हम पुनरुक्ति कर देते हैं, इस पुनरुक्ति से बचना चाहिए, ये भी अशुद्धि का एक रूप है। जैसे मैं एक शब्द वाक्य बोलता हूँ कि शब्द केवल संकेत मात्र है, ये एक वाक्य मैंने बोला, तो यहाँ तो या तो केवल लिखा जाएगा या मात्र लिखा जाएगा, भाई दोनों एक ही तो अर्थ दे रहे हैं, केवल और मात्र। तो इसलिए ऐसे प्रयोग हो जाते हैं, तो ऐसे प्रयोगों से हमें बचना चाहिए, और परीक्षा में ऐसे ही प्रयोगों के बारे में सवाल आते हैं। अगला बिंदु है हिंदी में पदक्रम का एक मान्य रूप प्रचलित है,
और इसका प्रयोग उसी मान्य स्वरूप में ही हमें करना है। जैसे विदेशी सिलाई के धागे, सिलाई के विदेशी धागे, एक गुलाब और गेंदे की माला, ये दो वाक्य बोल रहा हूँ। तो विदेशी सिलाई के धागे नहीं, सिलाई के विदेशी धागे, विदेशी सिलाई नहीं, सिलाई के विदेशी धागे, ये शुद्ध होगा। एक गुलाब और गेंदे की माला, नहीं भाई, गुलाब और गेंदे की एक माला, चांदी सोना, नहीं, सोना चांदी, फूलों फलों, फलों फूलों, ये शुद्ध होगा। तो हमने शुद्ध लिखने, पढ़ने और उच्चारण करने और बोल, ये सारे किस किस संदर्भों में हमें करने चाहिए, इनके बारे में हम इन तीन व्याख्यानों में बात की। अगले व्याख्यान से हम अशुद्ध करने वाली जो अशुद्धियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहां कहां हम प्रयोग में अशुद्धियां कर रहे हैं। तो आज का व्याख्यान ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार सब लोगों को, फिर मिलते हैं किसी अगले व्याख्यान।